राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कितने ही कांग्रेसी कंफ्यूजन में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आदेश 10 जनपद से लें या 12 तुगलक लेन से। लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी उनके भी बॉस हैं, यानी पार्टी का जो भी नीति निर्धारण होगा वो राहुल गांधी ही करेंगे। सोनिया का ये संदेश कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी माना जा रहा है जो राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर खुश नहीं थे। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बने 2 महीने होने को है, लेकिन अभी तक कितने ही कांग्रेसियों को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर शंकाएं थी। अब इन शंकाओं को खुद सोनिया गांधी ने दूर कर दिया, अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने कह दिया कि राहुल गांधी मेरे भी बॉस हैं, यानी पार्टी में राहुल गांधी का फैसला ही सर्वोपरि है। हमारे पास नए कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मैं आपकी और खुद अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। राहुल गांधी अब मेरे भी बॉस हैं, इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी का बयान राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी में असंतुष्ट और नाराज नेताओं के लिए भी साफ संदेश है। देखिए, सोनिया जी का संसदीय दल को आज संबोधन था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के बॉस हैं, हमारे भी बॉस हैं, आपको उनके साथ सहयोग करना चाहिए, उसी विश्वसनीयता से काम करना चाहिए, जिसमें सारे लोग सहमत हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को जो 4 साल होने जा रहे हैं, उसने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, बल्कि अहंकार से भरी हुई, घमंड से चूर ये सरकार हरेक को तंग कर रही है, अपने विरोधियों को परेशान कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने के बाद सोनिया गांधी राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इस पर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी सिर्फ अध्यक्ष पद से रिटायर हुई, राजनीति से नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। इधर संसदीय दल की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार अधिकतम पब्लिसिटी न्यूनतम सरकार और अधिकतम मार्केटिंग न्यूनतम डिलीवरी के तौर पर काम कर रही है। देखिए, सोनिया गांधी बार बार जो कह रही हैं कि राहुल गांधी मेरे बॉस हैं, वो उनको स्थापित करना चाहती हैं। सोनिया गांधी भली बात जानती हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, और इससे एक बात और स्पष्ट है कि वहां पर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहां गुटबाजी हावी है, जिसके कारण बार बार उनको इस बात को कहना पड़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसलिए भी कहना पड़ रहा है। सोनिया गांधी ने यहां तक कहा था कि देश में बदलाव की हवा चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी शुरू से ही अच्छा काम कर रही है, ये हमारा अच्छा टीम वर्क है, जिस वजह से गुजरात विधानसभा चुनाव और राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छे परिणाम दिए, जिससे जनता भी खुश है। इससे पता चलता है कि हवा का रुख बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।